Hello students, welcome to Unacademy Studios Escape Velocity, your one-stop solution for complete JEE preparation. So दोस्तों, एक हफ्ते बाद आप लोगों का KVPY examination है और आज दिवाली है. So दोस्तों, obviously it is a recorded video क्योंकि मैं भी अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहा हूँ. ये दिवाली आप लोगों के लिए बहुत ही important और बहुत ही interesting और इसकी timing भी बहुत interesting है. एक हफ्ते बाद आपका KVPY का एग्जामिनेशन है. अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में ये टेंशन होगी कि सर, इस दिवाली में हम पटाखे फोड़े, मिठाई खाएं या फिर KVPY के लिए पढ़ें. बेटा, सारी चीजें करनी है, मगर यहाँ पे जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो अगले 6 दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगले 6 दिन में आप लोग अपने आप को KVPY के लिए प्रिपेयर करोगे. KVPY एक ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन है, CBT जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी. क्यों? क्योंकि JEE मेन भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और पहला आपको नेशनल लेवल एक्सपोजर मिल रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का. दोस्तों, ये हमारी टीम है, पीयूष माहेश्वरी सर, मयंक सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आपको, PKR सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम लोग आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं. मैं एज एन इंडिविजुअल आप लोगों को कोशिश करता हूँ अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की अलग अलग चीजें बताने की, ठीक है? चलिए, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं. अब लास्ट 7 डे टिप्स फॉर KVPY 2019. मेरा नाम है प्रशांत जैन और ये चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. कार्डिनल प्रॉमिस, सबसे पहला प्रॉमिस आप लोग कर लीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट फॉर माय प्रिपरेशन. प्लीज इन 7 दिन की टिप्स को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि इनको ध्यान से सुन सके. ये मेरे कोर्स टाइमिंग्स हैं, 12 बजे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाता हूँ, फिर मंडे से सैटरडे का जो शेड्यूल है 3 बजे KVPY क्रैश कोर्स और NTSC क्रैश कोर्स में अलग अलग मॉक पेपर्स वगैरह मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ. आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं @PrashantJain पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और कोशिश कीजिए कि जब आप मुझे फॉलो करें तो मेरे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन लेते रहें. ये मेरे स्ट्रक्चर है, कोर्स के स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा, अपकमिंग कोर्सेज, स्पेशल क्लासेस, खासकर जो लाइव क्लासेस है हमारे प्लस प्लेटफॉर्म की, और प्लस का एक्सपोजर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो कंप्लीट कोर्स ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मेरा प्रोफाइल है, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है? तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप चाहें तो, और मेरे सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको मुझसे पढ़ने का मौका तो मिलेगा ही, फिजिक्स केमिस्ट्री के बाकी टीचर्स को भी पढ़ने का मौका मिलेगा. और अनअकैडमी प्लस क्यों सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन. फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, आप अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं. लैंग्वेज आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं. प्रैक्टिस अनलिमिटेड कर सकते हैं, यू कैन डू अनलिमिटेड प्रैक्टिस. एंड दोस्तों, इसी वजह से अनअकैडमी प्लस सबसे ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक तरीका है IIT JEE के लिए. तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अच्छा, मंथली मॉक टेस्ट फॉर IIT JEE, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों ने चला रखी है. आप लोग चाहें तो जिस तरह से आप लोग हमसे लर्निंग करते हैं उसी तरह से टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी चेक कीजिए, फिर आराम से जज कीजिए कि भाई हमें अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना ही नहीं पढ़ना, ठीक है? फिर ड्रॉपर्स के लिए 12th क्लास के बच्चों के लिए टेस्ट है, 11th क्लास के बच्चों के लिए टेस्ट है, ड्रॉपर्स के लिए टेस्ट है. बैचेस एंड ईयर लॉन्ग कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स के इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, फिजिक्स के इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, केमिस्ट्री के इंडिविजुअल कोर्सेज हैं. बेसिकली आपके हिसाब से पूरा सिस्टम चलता है, इसीलिए स्टूडेंट सेंट्रिक है. अनअकैडमी सबसे ज्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक तरीका है, क्योंकि हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पूरी प्रिपरेशन में होता है तो वो है स्टूडेंट खुद, और स्टूडेंट के बारे में सोच के अगर हम कुछ भी चीज बनाएंगे आप लोगों के लिए लेके आएंगे तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ही करेगी, ठीक है? ये देखिए, अब आप इन मेंटर्स को देखिए, IITians हैं, बहुत सारे लोग कोटा के फैकल्टीज हैं जिन्होंने हजारों IITians प्रोड्यूस किए हैं, कुछ लोग दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं IITian भी हूँ, टॉप रैंकर भी हूँ, कोटा का फैकल्टी भी हूँ. तो इस तरह से आपको बहुत सारे अच्छे फैकल्टी मेंबर्स मिल रहे हैं, और एक साथ ये सब लोग दोस्तों आपको एक साथ मिल रहे हैं. इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कोई भी अलग से सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं. एक तरह से जैसे आप कोचिंग में फी देते हैं और सभी टीचर्स का एक्सेस वहां पे भी नहीं मिलता, यहाँ पे तो सबका मिल जाए. जैसे आप किसी कोचिंग में गए, आपने HODs का नाम सुना है और आप उनके भरोसे चले गए, वो पढ़ा ही नहीं रहे आप, यहाँ पे ऐसा हो गई, आप पढ़ सकते हो, उनके बैच में क्लासेस आराम से अटेंड कर सकते हो, ठीक है? सो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए. ये मेरा कोर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है KVPY के बाद, आप लोगों को इस कोर्स को भी देखना चाहिए. JEE मेन के रिवीजन के थ्रू मैं पूरी क्लास 11th का और क्लास 12th का रिवीजन करवाने वाला हूं दोस्तों, थ्रू शॉर्ट नोट्स, ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स, प्रॉब्लम्स, DPPs हर दिन डिस्कस होंगी, हर 7वें दिन टेस्ट होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मेरे क्रेडेंशियल्स आप लोग जानते हैं,
अगर मेरे मेंटरशिप में आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो आप उसकी इफेक्टिविटी खुद सोच सकते हो। कोटा की मेथडोलॉजी है, अफोर्डेबल है, परफेक्ट है, एक्सेलेंट है, ठीक है। 70 मार्क्स अगर आपने सारी चीज़ें की, दिन के 3 घंटे अगर आपने मुझे दिए और मैंने जो जो बोला वो किया, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके काफ़ी चांसेस हैं कि 70 मार्क्स से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, unacademy.com/plus प्लेटफॉर्म पे जाना है, फिर टारगेट को IIT JEE चूज़ करना है, गेट सब्सक्रिप्शन, PJLIVE कोड यूज़ कीजिए टू गेट 10% डिस्काउंट। कोर्स 4 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है, मॉर्निंग और इवनिंग आवर में। प्लस प्लेटफॉर्म पे आप आइए, 1-to-1 मुझसे पढ़िए, 1-to-1 मेंटरिंग लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसको मानता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन विद प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। प्लस प्लेटफॉर्म के चार्जेस क्या हैं अब वो देख लेते हैं। 2020 अगर आप टारगेट कर रहे हैं, JEE एडवांस तक आप मेरी मेंटरिंग चाहते हैं, तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं PJLIVE कोड यूज़ कर सकते हैं, मेरा PJLIVE कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये अमाउंट 10% रिड्यूस हो जाएगा। 1 ईयर के अंदर भी यही कहानी है, ठीक है। आप देख रहे हैं 27,000 फीस हो जाती है 1 ईयर की भी, ठीक है। अगर आप मोबाइल लर्नर हैं तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, IIT JEE टारगेट चूज़ कीजिए और उसके बाद आराम से मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या है, रेट सेम है, मोबाइल पर पढ़ने की भी प्राइसेस सेम है। आप लोग देखेंगे तो 48,000-43,200 PJLIVE कोड यूज़ कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो KVPY के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, और ये बच्चा ऑल्दो मैथमेटिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, मैथ्स पढ़ रहा है आपकी तरह, बट बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर। पूरे KVPY के पैटर्न को अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, KVPY, ठीक है। KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, बहुत ही शानदार ये एक योजना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अब पेपर पैटर्न पता है आपको क्या होता है, पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं, पेपर पैटर्न क्या है भाई, सीधी सी बात है, 3 आवर्स का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है, ठीक है। 15 क्वेश्चन फॉर ईच इन सेक्शन 1, सेक्शन A बोल सकते हैं, 5 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट इन सेक्शन B। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए में हर क्वेश्चन के 1 मार्क है, 0 नेगेटिव है, और नेगेटिव में 0.25 है, और अगर ब्लैंक छोड़ दिया तो 0 है। सेकंड सेक्शन थोड़ा सा टफ होता है, उसमें ये मार्किंग स्कीम है, राइट। तो ये मार्किंग स्कीम्स है दोस्तों KVPY के अंदर। अब KVPY में आपको जो चीज़ ध्यान रखें, चलो ये तो मार्किंग स्कीम हो गई, अब KVPY क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, इसके सेंटर आते हैं बाहर कहीं, तो अब आप लोगों को उसका डेली का शेड्यूल क्या रखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डेली शेड्यूल कैसा रहना चाहिए आपका, मैंने NTSC के लिए भी आपको इसी तरह से बताया था। डेली शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, डेली शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कोशिश कीजिए, अगर आपका सेंटर बाहर है तो रीच वन डे बिफोर इन द इवनिंग एंड विजिट सेंटर। आप सेंटर विजिट कर लीजिए और सेंटर के पास में ही अपना होटल वोटल जो भी लेना है वो ले लीजिए। सेंटर के पास गए आप वहां पे रुक गए और सेंटर के पास में कोई होटल है, वहां पे आप लोगों ने अपना एक रूम ले लिया, ठीक है। तो एक दिन पहले आप पहुंच गए और सेंटर विजिट कर लिया, ठीक है। फिर अगेन स्लीप एट 10, आएगी नहीं नींद वो अलग बात है, 10 PM तक आप सो जाइए, आपको नींद नहीं आएगी वो एक अलग बात है, ठीक है। फिर अगले दिन वेक अप एट 6 AM, टेक बाथ एंड फ्रेशन अप, मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं आपको, टिल 7 AM, 7 बजे तक आपको ये सारा चीज खत्म करनी है, ठीक है। टेक लाइट ब्रेकफास्ट, उसके बाद लाइट ब्रेकफास्ट लीजिए, टेक लाइट ब्रेकफास्ट। लाइट ब्रेकफास्ट में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा हैवी ले लेंगे ना तो आपका पेट थोड़ा भारी हो जाएगा, पेट भारी हो जाता है तो दिमाग भी भारी हो जाता है, दिमाग भारी हो जाता है तो दिमाग को फ्लेक्सिबली यूटिलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ठीक है। तो टेक लाइट ब्रेकफास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अच्छा तो अब ये बात हो गई, एक तो लाइट ब्रेकफास्ट आप ले ही लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो, पेपर 3 घंटे का होगा, पेपर ड्यूरेशन 3 आवर्स है, ठीक है। सीधी सी बात है, यूज घड़ी वड़ी तो देखो सब पोर्टल पे होती है, ठीक है ना। तो आप ये चीज बोल सकते हैं, रीच 1 आवर बिफोर द पेपर टाइम। एक घंटा पहले पेपर के आप लोगों को सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है। और एक दिन पहले देखो, आप सोचो एक दिन सेंटर से पहले हो। अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सेंटर पे एक दिन पहले आप पहुंच गए। अब एक दिन पहले पहुंच के आप लोगों ने देखा भाई वॉशरूम कहाँ पे है, सब चीज़ें फैसिलिटीज़ कहाँ पर है, ठीक है। आपका मॉक एलोकेशन अगर वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट लग गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे सिटिंग अरेंजमेंट लगता नहीं है जितना मुझे पता है, तो बिल्कुल टाइम पर लगता है वो, ठीक है, सुबह ही लगता है। तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं वो देख लीजिए, ताकि जब अगर आपको फैसिलिटीज़ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कहाँ पे। क्योंकि उस दिन ज़रूरी नहीं है कि हेल्प मिल जाए आपको, ऑल्दो द इन्विजिलेटर्स आर वेरी हेल्पफुल, तो वो कोई इशू आएगा नहीं आपको। एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब अपने अच्छे से रखने ही हैं, वो सब आप अरेंज करेंगे ही, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो अगली स्लाइड में बताऊंगा, मगर कोशिश कीजिए रात को 10 बजे तक सो जाएं। अब देखो 10 बजे के बाद आपको ऐसा होगा कि यार कल मैथ्स में क्या आएगा, फिजिक्स में क्या आएगा, केमिस्ट्री में क्या आएगा, बायो कैसे करूंगा मैं, मैंने तो 1 साल से पढ़ी नहीं है बायो। दुनिया भर के सवाल आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है। इन सवालों को कोई रोक नहीं सकता, पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई मत सोचना, अगर मैं आपको बोलूँ कि हाथी के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले आप हाथी के बारे में सोचोगे, राइट। तो पेपर के बारे में कोई नहीं रोक सकता आपको सोचने से, सोचोगे आप। बट अगर आप 10 बजे बेड पे आ जाओगे तो 11 11:30 तक नींद आ जाएगी आपको। अच्छे से पानी पी के सोना, अच्छे से पानी पी के सोओगे, अगले दिन बाउल मूवमेंट्स सही रहेंगे, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो, बहुत सारी चीज़ें देख चुके हो, मगर आप लोगों का इस वजह से केवल मतलब सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि आपको एग्जाम के दौरान कुछ प्रॉब्लम होगी। सो लाइक जस्ट अवॉइड दैट, राइट। सुबह 6 बजे उठिए, आराम से फ्रेशन अप हुई, बात लीजिए, ठीक है। 7 से 7:30 के बीच में ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट क्योंकि देखिए सुबह भाता नहीं है, एकदम से नर्वसनेस रहती है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ब्रेकफास्ट कीजिए, बट लाइट लीजिए। नहीं बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट लेने की जरूरत नहीं है। आराम से 12:30 बजे निकल के खाना खाना, बिल्कुल चिल मारना, आराम से खाना खाना, ठीक है। टेक लाइट ब्रेकफास्ट जैसा मैंने आपको बताया, वरना पेट हैवी रहेगा। ये मार्किंग स्कीम का हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे का है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। रीच 1 आवर बिफोर पेपर टाइम, आराम से 1 घंटे पहले पहुंचिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी नहीं, ठीक है, गर्मी क्योंकि अब जा रही है, गर्मी का सीजन जा रहा है, तो कोई टेंशन ज़्यादा होगी नहीं आप लोगों को। तो कोशिश कीजिए कि आराम से अपने आप को कंफर्टेबल कर लें। एक दिन पहले आपने सेंटर विजिट किया है तो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम का भी आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा होटल आपका पास में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका सेम सिटी में सेंटर है तो फिर कोशिश कीजिए कि 1 घंटे पहले आप सेंटर पर पहुँच जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको नोट करनी है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। रीच 1 आवर बिफोर टाइम। चलिए अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं, पेपर पैटर्न और कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, पेपर को भाई कैसे अटेम्प्ट करना है ये बताओ जरा आप, ठीक है। अब देखो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन, गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन। गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन क्या कहता है, इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बहुत सिंपल है, जैसे इक्वल टू MC² होता है ना, उस तरह का सिंपल है। इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इफ स्टूडेंट डज ऑल इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस करेक्टली, देन इजी और मीडियम क्वेश्चन अगर हो जाएंगे करेक्टली, देन सिलेक्शन इज सर्टेन। सिलेक्शन इज सर्टेन मतलब
सिलेक्शन होना तय है। अब मैंने आप लोगों को बताया था, देखो दोस्तों, अगर आप इजी और मीडियम क्वेश्चन सही करके आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी रैंक के साथ, और अगर आपको और अच्छी रैंक लानी है तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। बट क्राइम क्या है? सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो इन सबको कैसे दूर करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन ये, तो इस सिलेक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपके पास 75 मार्क्स हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आप लोगों ने देखा हो मेरा वीडियो, एक वीडियो जरूर देखना आप लोग, हाउ टू गेट 70 मार्क्स इन KVPY। इसमें आपको 60 स्कोर करना है, पता है आपको, ठीक है। फिर 25 मार्क्स की आपकी बायो है, इसमें आपको 10 स्कोर करना है। ये टारगेट आप लोगों को लेके चलना है, ठीक है। इसके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, वो सब आपको पता है। शॉर्ट नोट्स बायो की देखो, 9, 10, 11 की, थोड़ा बहुत जो जो भी है ना एनटीएससी का मॉड्यूल वॉड्यूल सब आप लोगों ने कर लिया, वो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। पहले ही बता चुका हूं कि भाई KVPY में बायो कैसे प्रिपेयर करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसे प्रिपेयर करनी है। तो आज अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपकी काफी हद तक प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, मैं ये मान के चलता हूं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये है। अब देखो, 3 घंटे का पेपर है, इसको तो मैं 20 मिनट्स मान लेता हूं, 20 मिनट में इसको तो निपटाई दोगे, 25 मार्क्स को निपटाई दोगे, जो आता होगा वो कर लोगे, जो नहीं आता होगा वो छोड़ दोगे। अब यहां पे हम बात करते हैं, आपके पास बचे 160 मिनट, इन 160 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब आप लोगों ने अगर देखा हो तो मैथ्स का मैं 1 घंटे का सेशन लेता हूं जिसमें प्रीवियस ईयर के मैथ्स के पेपर डिस्कस करता है, मेरे को नहीं लगता 1 घंटे में वो पेपर हो सकता है, मेरे को नहीं लगता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग फिर भी मैथ्स को एलोकेट कर सकते हो 60 मिनट्स। मैथ्स को आप 60 मिनट एलोकेट करोगे ना, यू विल बी एबल टू गेट 20 मार्क्स, क्योंकि मैथ्स के अंदर मैंने देखा कुछ जगह कैलकुलेशन होती है। अच्छा हाँ, एक और चीज ध्यान रखो, वहीं पे कैलकुलेटर होता है, जो पोर्टल्स होते हैं ना वहां पे कैलकुलेटर मिल जाएगा, तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती कैलकुलेटर यूज करने में, ठीक है। तो 20 मार्क्स आपको मैथमेटिक्स में मिल गए, आपने टाइम दिया तो 60 मिनट देना जरूरी है मगर, ठीक है। फिर अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में तकरीबन आप 50 मिनट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है फॉर 20 मार्क्स, ये आपका टारगेट स्कोर है। केमिस्ट्री में अगर आप 40 मिनट भी दे देंगे ना तो आपका काम हो जाएगा फॉर 20 मार्क्स। अब देखिए, फिर भी आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा बच रहे, उसमें आप कौन से क्वेश्चन करेंगे जो आपके छूट गए, कहीं आपने मार्क करके छोड़ दिए, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, ये बफर टाइम है, इसको आप दे सकते हैं कहीं पे अगर आपको लगता है तो, बफर टाइम, ठीक है। तो ये बफर टाइम हो गया। अब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर 60 मिनट दे दिए, अब क्या होगा ना, देखो 2-3 तरह की सिचुएशन है जो आपको केटर कर दिए। कभी कभी क्या है, 1 मार्क का डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, 1 मार्क डिफिकल्ट, आपको लग जाएगा पहले 1 मिनट में लग जाएगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, उस क्वेश्चन पे स्टक मत हो। और ये सिचुएशन बहुत फेवरेबल है जो आपको यूटिलाइज करनी है, 2 मार्क का इजी क्वेश्चन। मैथ्स के अंदर आप लोगों ने देखा है बहुत बार ऐसा हुआ है कि 2 मार्क के क्वेश्चन 1 मार्क से इजी है, तो ये फ्री के मार्क्स जल्दी से जुगाड़ लो, ठीक है। तो पहली जो इटरेशन है ना, जो पहले 2 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए, ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले 2 घंटे में एक बार पूरा पेपर आप लोगों को देख लिया होना चाहिए, किसी भी पहली बार में आपको किसी क्वेश्चन में अटकना ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 2 घंटे 40 मिनट निकलने के बाद 5 क्वेश्चन आपके नए के नए रह रहे हो, मतलब जिसमें आपने देखा भी नहीं एक बार भी, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोगों को क्या कोशिश करनी है दोस्तों, कि जो पहला 2 घंटा है ना उसके अंदर सारे क्वेश्चन आपके देखे होने चाहिए। देखो, अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे होंगे ना, 70 मार्क्स के लायक हो आप या फिर आपने उससे मेहनत की है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो 60 मार्क्स है ना वो पहले 2 घंटे में आ जाएंगे। लास्ट के 1 घंटे में आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं जो फंस रहे हैं, जो कुछ डिफिकल्ट है उसमें थोड़ी बहुत मेहनत करके आप लोग कर सकते हो, वो 10 नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, तो पहली बार में बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, ये क्वेश्चन छोड़ दो, इन क्वेश्चन पे जंप करो, ठीक है। ये क्वेश्चन पे तभी जंप कर पाओगे जब आप क्वेश्चन देखोगे। आप सोचो 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे में, मतलब मान लो 9:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, 9:30 से 11 आप लोगों ने देखा, फिर 11 से 11:30 बजे का जो टाइम है ना उसमें आपने 2 घंटे के सारे इजी क्वेश्चंस कर लिए, बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब
मान लीजिए मैं लास्ट वन आवर की बात करता हूं, कुछ सिचुएशन लेता हूं, एक क्वेश्चन है जिसमें आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, क्या आप उस क्वेश्चन को मार्क करके आओगे? बिल्कुल करके आओगे। क्यों? क्योंकि इसके राइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपके पास देखो खोने के लिए कितना है, -0.25, पाने के लिए 1 है, तो और क्योंकि दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने तो आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है, तो 50% चांस है आपको एक नंबर मिल जाएगा, 50% चांस है -0.25 होगा, आपको ये चॉइस ले लेनी चाहिए। दो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वो कर लेना चाहिए कि एक आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जो भी टॉपर्स होते हैं ना उनके सारे के सारे मार्क्स ईमानदारी के नहीं होते। मैं खुद का एग्जांपल लेके बता सकता हूँ, जेई में जब मेरी 42 रैंक आई थी तो ऐसा नहीं था कि भाई मेरी बिल्कुल ईमानदारी से आई थी, हर एक क्वेश्चन मेरे को कॉन्सेप्चुअली नहीं आता था, कुछ इस तरह से भी हुए थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक दूसरा, ठीक है, डू नॉट गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन, ये मैं बता चुका हूँ बट फिर भी लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप इसकी फोटो ले सकें, डू नॉट स्टक ऑन एनी वन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज है, अब जल्दी से इन चीज को कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, डू नॉट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन, ये पूरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई है कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है आपको लास्ट में। अब ये देखो, अब इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है वो अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हो गई, अब आगे बात करते हैं मॉक टेस्ट एंड रिविजन। अब देखो लास्ट के 6 दिन बचे, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिनसे आप रिवाइज करो, है ना, अपनी जो चेकलिस्ट है ना टिक करते जाना उस पर, अगर आप लोगों का हो गया टिक कर लो, नो शॉर्ट नोट्स हैं टिक कर लो, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व्ड, टिक कर लो अगर हो गया तो। अगर मान लो आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए 2010 से लेकर 2018 गए, तो आप लोग काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो गए। मैंने खुद आपको मैथ्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए, पीयूष महेश्वरी सर ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए, तो अगर वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, एक ही हो गया, ठीक है, एटलीस्ट 5 मॉक पेपर्स इन विच यू हैव टू फॉलो, दो चीजें फॉलो करनी है, पहला गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन, गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन मतलब कोई भी इजी और मीडियम क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, सेकंड गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन, दूसरा ऑल अदर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजीज, उनको आपको करके, यार ऐसा थोड़ी है कि आप लोग मतलब 3 नवंबर को जाके सारी स्ट्रेटेजीज एक साथ इंप्लीमेंट कर लोगे, उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, ऑल अदर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजीज। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी पार्शली भी कर ली ना, तो अब मानो आप सोचो केवीपीवाई में आपने पार्शली की, जेई मेन में इसको और मास्टर कर लोगे आप, फिर जेई एडवांस तक पहुंचते तो दुरुस्त हो जाएगी, जेई एडवांस में कितनी अच्छी रैंक आ जाएगी आपकी, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, समझ पा रहे हो ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस जो मैंने बताया उसको आप उससे आपको केवीपीवाई में सक्सेस मिल जाएगी, ये मैं कह ही नहीं रहा, केवीपीवाई में सक्सेस मिले ना मिले आगे जरूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इट इज अ बिहेवियर, इट इज अ प्रैक्टिस जो आपकी होगी, ठीक है, जल्दी से इसको करिए एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों चीजें के लिए मैं यहाँ पे पॉज इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन, ऑल अदर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो 5 मॉक टेस्ट देने हैं आपको एटलीस्ट, जिनपे सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब टारगेट स्कोर आप लोगों को जो लेके चलना है, 70 तो मैंने हाई स्कोर पे बता दिया, टारगेट स्कोर आपका 60 है जो आपको चाहिए। 60 क्यों चाहिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 75% वेटेज जो है ना वो एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, पता है आपको ये बात, 25% वेट इंटरव्यू का होता है, राइट,
इंटरव्यू के बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे, मगर अभी हमारी चर्चा किस पे, एप्टीट्यूड टेस्ट पे। तो 75% वेट इसका है, 60 मार्क्स अगर आपके आ गए तो 60 मार्क्स के अंदर 100 में से 60 हो गए एक तरह से, ठीक है। तो 75% वेटेज है ना, तो 75 मार्क्स का एक तरह से ये मान लो कि आप 100 मार्क्स का टोटल वेटेज है, तो 75 मार्क्स का ये है और 25 मार्क्स का इंटरव्यू है। 75 में से मतलब 100 में से 60 है, तो 75 से इक्विवेलेंट कितना होगा, ऐसे सोचो 75 में से कितना होगा, इसका 75% कर लो, 60 को 3/4 से मल्टीप्लाई करो तो 45 मार्क्स आपके आ जाएंगे, जो सिलेक्शन हो जाता है 55-56 पे हो जाता है सिलेक्शन। तो 55-56 पे अगर सिलेक्शन हो गया तो इंटरव्यू में केवल 10 नंबर लाना। अब इंटरव्यू में 10 नंबर लाना, 25 में से 10 नंबर लाना तो आसान है। आप लोगों को याद हो तो आतुर और सुहास का जो वीडियो मैंने किया था उसमें उन्होंने बताया था इंटरव्यू में आराम से नंबर आ जाते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के जो मार्क्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये टारगेट स्कोर का ध्यान रखो, और इस टारगेट स्कोर को आपको कहाँ पे लेके आना है, मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट में लेके आना है। अगर आप अपना इस टारगेट स्कोर को मॉक टेस्ट में अचीव कर पाते हो तभी बात, वरना कोई सेंस नहीं है, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई सेंस नहीं है। क्योंकि मैं आपको बोलूँ कि भाई टारगेट स्कोर 60 करना है, आप सोचोगे भाई सर मॉक टेस्ट में तो नहीं आ रहा, 3 नवंबर को आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कोशिश करनी है मॉक टेस्ट की, आप लोगों को देना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, राइट। अब इन सारी चीज़ों को आप स्ट्रेटेजी को कर लोगे ना, शॉर्ट नोट्स आपने कर लिए, उसके बाद आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए, 5 पेपर अटेम्प्ट कर लिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड हो जाओगे आप KVPY में सेलेक्ट होने के। अगर कोई भी बच्चा ये कर रहा है तो वो काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट है। और दोस्तों याद रखो KVPY में सिलेक्शन से IISc में सिलेक्शन होता है, IISc जिसमें IIT के थ्रू सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, KVPY के थ्रू उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, फेलोशिप मिलेगी, दुनिया भर की चीज़ है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। अब व्हाट आफ्टर KVPY, अब ये बताओ भाई व्हाट आफ्टर KVPY। एक तो देखो 3 नवंबर को तो एनालिसिस में लेके नहीं आ पाऊंगा क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, जैसे मेरे पास पेपर अवेलेबल होगा ना 4 तारीख को मैं आप लोगों के लिए KVPY 2019 का एनालिसिस लेके आऊंगा, मैथ्स का भी लेके आऊंगा और आंसर की भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मतलब वेट करें, और मतलब ऑब्वियसली मैं उसको एनालाइज करके दूंगा कि भाई पिछले साल के मुकाबले कैसा पेपर रहा। पहली बात तो ये व्हाट आफ्टर KVPY, तो आंसर की एंड एनालिसिस होगा 3 PM ऑन पेपर, मतलब देखो 3 बजे होगा ये पक्का है, मगर किस दिन होगा ये उस पर डिपेंड करेगा मेरे पास पेपर कब तक आएगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, पहले बता रहा हूं। तो आंसर की एन एनालिसिस उस पर हो गया, ठीक है, जनवरी में तकरीबन रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद फेब में आप लोगों के वो हो जाएंगे मतलब इंटरव्यूज हो जाएंगे, और अप्रैल में फाइनल रिजल्ट आएगा जिसमें फेलोशिप मिलती है, इसमें रैंकिंग में आती है, रैंकिंग में आता है, रैंकिंग्स भी आएंगे आपकी। इस दौरान हम लोग इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि भाई मेरा जो सेशन है ना वो अटेंड जरूर करना है आपको, ठीक है। आंसर की एनालिसिस, जनवरी रिजल्ट, फरवरी में इंटरव्यू होंगे, ये एनालिसिस जरूर अटेंड करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और कोई भी रिलेटेड चीज़ है ना कोशिश करो, देखो वैसे मैं आप हर दिन KVPY के कुछ मॉक पेपर्स वगैरह आप लोगों के लेके आऊँगा, NTSC के ऑल्टरनेट डे KVPY, ऑल्टरनेट डे NTSC लेके आऊँगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपोजर मिल सकता है मेरे पेपर्स के थ्रू, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो भाई सीधी सी बात है अपना फीडबैक दो, हैव योर से, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है ना, और हमें इसी तरह से प्यार करते रहो। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी चैनल इंडिया का दी बेस्ट चैनल है इन टर्म्स ऑफ टीम, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, और जो हम एक्सपोजर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मेरे खुद के क्रेडेंशियल्स आप जानते हैं, 3 IIT बॉम्बे के लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी टीम है, इससे बेटर टीम आपको पूरे इंडिया में कोई से भी नहीं मिलेगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और आप मेरे हिसाब से आप लोगों को हमारे एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे, राइट। सो रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को,
पीजे लाइव कोड यूज कीजिए फॉर 10% डिस्काउंट। पीजे लाइव कोड यूज कीजिए दोस्तों 10% डिस्काउंट के लिए, राइट। तो मैं आप लोगों को ये चीज बताता हूँ। हाँ, एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिवाली है, ठीक है, दिवाली एंजॉय कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम चाहते हैं कि आप दिवाली एंजॉय ना करें, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग दे रहे हैं, है ना। एक चीज ध्यान रखना, आरएमओ के लिए भी मैंने बोली थी, किसी भी पेपर में सिलेक्शन हो या ना हो वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, प्रोसेस ज्यादा मैटर करती है। आप लोगों ने जो प्रोसेस फॉलो की है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई प्रोसेस फॉलो की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से ऑनलाइन टेस्ट दिए, बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दिए, बहुत अच्छे से रिवीजन किया, सब बहुत बढ़िया था, उस दिन जाके आपका दिन खराब भी हो गया ना, तो दोस्तों ये याद रखना कि केवल एक दिन आपकी तकदीर को बयां नहीं कर सकता। आगे ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे जब आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों उस दिन, एक दिन अगर आपकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा साउंड है, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत करके, पढ़ाई करके, ईमानदारी से अपने एफर्ट्स को लगाया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन आप फेल हो सकते हो, मगर ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जब आप सक्सेसफुल होगे अपनी उसी मेहनत के दम पे। मैंने अपने एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को बहुत बार बताया कि भाई मैं कहां कहां फेल हुआ, ठीक है, बट इवेंचुअली रिजल्ट अच्छा मिलता है क्योंकि मेरी प्रोसेस साउंड थी, मेरी प्रोसेस अच्छी थी, मुझे अपनी प्रोसेस पे भरोसा, ठीक है। सो विद दिस नोट, हैप्पी दिवाली, हैव सेफ दिवाली, इको फ्रेंडली दिवाली, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप लोग बहुत अच्छे से दिवाली मनाएं और KVPY का एग्जाम एक हफ्ते बाद दें। इसी तरह से मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूंगा, ठीक है। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमिंग ऑन दी प्लस प्लेटफॉर्म। थैंक यू।